नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां विधानसभा क्षेत्र मऊगंज के साथ रीवा जिले की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराने और निराकरण कराने के संबंध में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि संपूर्ण जिले में खाद यूरिया किसान को नहीं मिल पा रही है, कालाबाजारी जोरों से की जा रही है, किसानों को तत्काल खाद उपलब्ध करवाया जाए, संपूर्ण जिले में बिजली की भारी कटौती और बड़ा बड़ा कर बिल दिया जा रहा है, नोटिस जारी करके जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, जिसको रोकने का कार्य किया जाए। संपूर्ण जिले में आवारा पशुओं की उपस्थिति के कारण किसान पूरी तरह से तबाह हो गया है। कमलनाथ सरकार में गौशाला प्रारंभ की गई थी, जिसका निर्माण अधूरा पड़ा है, उसको तुरंत पूरा करवाया जाए। संपूर्ण जिले में नशे का कारोबार पुलिस की नजर में फैलाया जा रहा है, जिसका परिणाम अभी मऊगंज थाने की पथरिया गांव पर घटना घटी है। वहीं पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम आंदोलन प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन दे रहे हैं? हाँ, एक्चुअली में रीवा जिले में कई सामायिक मुद्दे थे जिसपे आम जन काफी पीड़ित है। उस बात को लेकर मैंने रीवा कमिश्नर को ज्ञापन के माध्यम से वैसे भी मैं बताने आया था, इस पर आप चर्चा करें। जैसे कि इस समय बिजली मुद्दे को लेकर के आम जन 20,000 30,000 40,000 रुपए तक के बिल आ रहे हैं, जबकि कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो 100 रुपए से लेकर के 200 जो भी जुनाइन बिल थे वो थे। अब इससे 10 गुना 20 गुना बिल आ जाना शुरू हो गए, जिससे आम जनता पीड़ित है। ये बात बताने आया था कि इस पर सुधार करें। दूसरी बात, खाद के लेकर के किसान काफ़ी परेशान हैं, सोसाइटियों में खाद उपलब्ध नहीं है, ब्लैक में थोड़ी बहुत दुकानों में मिलती हैं, जिससे किसान पीड़ित है। ये बात बताने आया था कि इस पर विचार करें। तीसरी बात, अभी हमारे मऊगंज से लगे हुए पथरिया गांव में एक बड़ी घटना घटी, जिसमें कि हत्या तक हो गई और इसमें कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही हुई, और उसमें पुलिस ने खैर कार्रवाई किया, लेकिन कार्यवाही भर से निदान संभव नहीं है। और उसमें जो पुलिस संलिप्त हो जाती है, खासकर चाहे अवैध शराब हो, कोरेक्स हो, इन सब मामलों में, इस बात को बताने आया कि इस पर प्रशासन चेत है और पुलिस के खिलाफ भी ऐसे मुद्दों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा, मवेशी हमारे रोडों पर काफ़ी हैं और कमलनाथ जी ने गौशाला भी बनाए, लेकिन अभी तक उसमें मवेशी नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सब तमाम मुद्दों को लेकर के आज कमिश्नर रीवा से हमने चर्चा किया है और उन्हें आश्वासन दिया है कि हम इस पर जल्द से जल्द निदान कराएंगे। मास्क न लगाने पर कभी धोखे से कोई घर से निकल पड़ा, मास्क छूट गया, उसमें पुलिस प्रताड़ित कर रही, इस पर भी हमने उनसे चर्चा किया कि मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी है। बस रहते मास्क को लेकर के आम जन प्रताड़ित हो पुलिस के द्वारा, ये बिल्कुल गलत है। इन सब मुद्दों को लेकर के आज हमने कमिश्नर से बात किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आगे की बात। आज किसानों ने भी हंगामा किया था खाद को लेकर। देखिए क्या है कि स्वाभाविक है, इस समय त्राहि त्राहि मची हुई है, खासकर जब से कोरोना लगा है, कोरोना के नाम पर, खासकर जब से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इन्होंने कोरोना के नाम पर पूरे प्रशासन का को अपने हिसाब से चला रहे हैं और विपक्ष का गला घोट दिए हैं, आम जन का गला घोट दिए हैं, और कोई भी अपनी बात नहीं कह पा रहा। धीरे धीरे जनता जागरूक हो गई है और निश्चित रूप से हर जगह आंदोलन शुरू हो, मुझे भी आंदोलन करना, इसीलिए तो मैं चेताने आया था इन सब मुद्दों को लेकर के कि अगर आप इस पर नहीं चेते, मजबूरन हम लोगों को न ये सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे, न और सब सारी चीज़ों का, और न कोरोना का, हम लोगों को आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य हैं अगर इस तरीके से जनता पीड़ित रही। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।